अस्सलाम वालेकुम। ये हरनोई एबटाबाद शहर हरनोई ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं कहाँ कहाँ से इफ्तारी के लिए। ये खाना बना रहे हैं भाई, कुछ और कर रहे हैं। और ये बड़े मज़े का पानी है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। वो सामने एक फैमिली है, ये देखें ये जगह बना रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं। और ये फैमिली एक बैठ गई है, और ये देखें ये भाई बैठ रहे हैं, यहाँ पे भाई बैठ रहे हैं। बहुत मज़े की जगह है, ज़बरदस्त किस्म की। और ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है। ठंडी जगह है, ठंडा पानी है, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत जगह है, और बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। फैमिली के साथ लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फैमिली बैठी हुई है काफ़ी सारी, ये देखें ये। आप ही आएँ यहाँ पे एबटाबाद से, मेरे ख्याल में तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है, 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, और तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त फैमिली पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है, बेहतरीन किस्म का। और रमज़ान के लिए तो स्पेशली यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए, अभी तो रोज़े ही ख़त्म हो गए हैं, लेकिन गर्मियों के लिए भी बेहतरीन जगह है, बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। जल्द बिछाओ दस्तरखान, हाल हकीकत बाद में होगी, पहले कर कुछ इंतजाम। आ चुके तेरे मेहमान, खाने में क्या क्या है लाओ, मुर्गी मछली कलेजा भी लाओ। खाने में क्या क्या है लाओ, मुर्गी मछली कलेजा भी लाओ, कोफ्ता जरदा बिरयानी भी लाओ, कोफ्ता जरदा आई। कम खाना तो है रुसवाई, खा के लपेट ना अपनी चटाई, खा के लपेट ना अपनी चटाई, गड़बड़ का ना हो इम्कान। आ चुके तेरे मेहमान, जल्द बिछाओ दस्तरखान, हाल हकीकत बाद में होगी, पहले कर कुछ इंतजाम। आ चुके तेरे मेहमान, कावे से नहीं काम चलेगा, उसको पीते हैं अफगान। आज तेरे मेहमान, जल्द बिछाओ दस्तरखान, हाल हकीकत बाद में होगी, पहले कर तू इंतजाम। आ चुके तेरे मेहमान, जिद बदहजमी की भी लाना दवाई, कम खाना तो है रुसवाई, बदहजमी की भी ला। ये जी हमने यहाँ पे इफ्तारी कर ली है, और ये लड़कों को सर्दी लग रही थी तो आग जलाई है उसके लिए। ये नाए हैं, अभी ये कोट नहीं सकते, बहुत सर्दी है, और कांपे टांग रही हैं इधर। हाँ कांपे इनकी अभी टांग रही हैं। बहुत मजा आ रहा है, साथ बहुत मजा दे रहा है। अभी तो बाकी है,